बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 9, MTH 643। उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन फाइनल का जो है वो हमारे पास तीसरा है। कंप्यूट द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स यूजिंग द मैटलैब कमांड। हमने मैटलैब कमांड में जाकर इसकी आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। तो इतना मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है। इंशाल्लाह आपको फाइनल के जितने भी आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन आए हैं, आपके सर ने शेयर किए हैं, वो इंशाल्लाह सब का सलूशन आपको दूंगा। तो स्टूडेंट्स, आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं जी अपने मैटलैब पे। ज़रा मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लूँ ताकि आपको नज़र आए। सबसे पहले तो आपने ये कमांड्स लगानी है, CLC और क्लियर ऑल और क्लोज ऑल। ये लगाने के बाद आपने मैट्रिक्स लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मैट्रिक्स ए लिखता हूँ। मैट्रिक्स लिखने का मेथड मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अगर आपको फिर भी जो है वो नहीं याद आ रहा तो आप एक बार जो है मेरे पिछले जितने भी क्वेश्चन के लेक्चर हैं उनको जाकर आप अच्छे से सुन लें तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो हमारे पास जो अभी मौजूद है जी क्वेश्चन, वो देखते हैं 314789313। ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे। हम इसके अंदर इसको लिखते हैं। मैंने आपको बताया था कि रो को लिखते हैं सबसे पहले, थ्री आगे स्पेस देंगे, फिर वन लिखेंगे, फिर आगे स्पेस देंगे, फिर फोर लिखते हैं। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे सेमी कॉलन डालना है। फिर हम लिखेंगे 789, 7, 8 और फिर हम कॉमा भी डाल सकते हैं और आप स्पेस भी दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी फिर सेमी कॉलन। फिर हमने 313 करना है, 313 करना है। तो इसको ज़रा हम एक बार जो है वो कर लें। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जी, रन करके देखते हैं। तो चलें ये ज़ूम इन ज़ूम आउट को एक बार ख़त्म कर देते हैं। ये देखें, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया है। इसकी सबसे पहले तो हमने एक आइगन वैल्यू निकालनी है। तो आइगन वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा काम है। हम वहाँ पे किसी नंबर को शो करते हैं आइगन वैल्यू के लिए। मैं लिख लेता हूँ EGN और आगे वैल्यू लिख लेता हूँ, इज़ इक्वल टू लिखता हूँ जी यहाँ पे EIG। कमांड देते हैं EIG और आगे ब्रैकेट में हम लिखेंगे मैट्रिक्स को जिसका हमने जो है वो आइगन वैल्यू निकालनी है। ये हमने ए लिख दिया। इसको रन करेंगे तो हमारे पास ये देख सकते हैं कि आइगन वैल्यू मौजूद है। ओके, ये हमारे पास आइगन वैल्यू जो है इसकी आ चुकी है। अब हम इसी क्वेश्चन में इसका वेक्टर निकालना चाहते हैं तो हम जो है वेक्टर और वैल्यू दोनों आ जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट लगाएं, स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद पहले आप वी लिखें, कैपिटल वी, उसके बाद आप कॉमा डालें, फिर आप जो वेक्टर आपने डी निकालना है उसको लिखें डी, फिर इक्वल प्रेस करें और फिर से आप EIGA लिखें, यानी कि कमांड लगाएं आइगन वैल्यू की EIG आगे ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट में आप लिखें जी ए। अब आप ज़रा देखें यहाँ पे रन करने के बाद ये आपके पास आइगन वैल्यू आ गई हैं, ठीक है, और ये आपके पास आइगन वेक्टर आ गया है। और ये वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो वेक्टर आया है उसको हमने लिखा है डी वेक्टर। ओके, तो यही हमारा आज का क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ आई होगी।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।